बेसिक केमिस्ट्री में एक और जरूरी बातें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना। कि आप लोगों ने सुने होंगे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉन है ना, एटॉमिक नंबर 11। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो 2, 8, 1। दूसरे तरह से हम करते हैं 1s2, 2s2, 2p, कितना होगा 6, एंड 3s1। सवाल यह है कि हम इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, इनकी जानकारी हम आपको देंगे। तो ये है इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में किस तरह से जमे हुए हैं, व्यवस्थित हैं, इनको बताने के लिए हम क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना। तो इनके लिए हम कुछ बातों को बताएंगे, इनको आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये बातें पता होनी चाहिए कि परमाणु की संरचना कैसी होती है। जैसे सोडियम के बारे में हम जानकारी लिए, तो फिर वहां तक जाने से पहले उसी को एक बार बताता हूँ। जैसे नाभिक होता है और उसमें ऐसे ऊर्जा स्तर होते हैं और उसमें पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर ऐसे करके हम जानते हैं ना, लेकिन इसको मैं एक व्यवस्थित ढंग से आपको बता रहा हूं ताकि उन चीजों को सीखें तो अच्छे से सीख पाए। चलिए, सबसे पहला काम होगा हमारा कि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर जाने। मतलब परमाणु संरचना। परमाणु की संरचना को हम मूल रूप से ये मानते हैं कि परमाणु एक गोलाकार कण होता है, ठीक। ये कहा गया शुरुआती तौर पे कि परमाणु में एक नाभिक होता है जिसमें उनका संपूर्ण द्रव्यमान और उसका धनावेश होता है। जैसे तो इस नाभिक में क्या होगा, इस न्यूक्लियस में क्या होगा, पूरा द्रव्यमान यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है तो उनका द्रव्यमान, या और सब क्या होगा इसमें, प्लस चार्ज, मतलब इसमें प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसी में होगा, तो हम इसको धनावेशित होता है इसलिए हम इसको ऐसे प्लस जैसा लगा देते हैं, ठीक है। फिर देखें, इनमें कई वृत्तीय पथ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमती रहती है, वृत्ताकार पथों में यह माना जाता है। आधुनिक साइंस तो बहुत आगे बढ़ गया है ना, पर हमारी शुरुआत तो यहीं से होगी। इस तरह से इनको कहा जाता है ऊर्जा स्तर या एनर्जी लेवल या शेल। इसको क्या बोलेंगे, इनको हम बोलते हैं ऊर्जा स्तर या कक्ष। इंग्लिश में बोले तो एनर्जी लेवल, कक्ष शेल कहेंगे, शेल कहते हैं इसको। और एक नाम दिया जाता है मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, इसको स्मॉल एन से दर्शाते हैं बेटा ना, किससे दर्शाएंगे, स्मॉल एन से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं इसको, स्मॉल एन से दर्शाते हैं। इसका जो मान है, n का जो मान है वो होगा 1, 2, 3, 4, 5 है ना, 6, 7, 8, 9 जो भी हो, पर अभी तक हमने 7 तक के हम तत्व ढूंढ लिए हैं, पर जब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होती है तो 8वें और 9वें में भी हो सकती है। तो ये n है क्या चीज, हम जान चुके हैं ये है, तो वो कौन सा है? ये इसको हम कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या या ऊर्जा स्तर या शेल कहते हैं, यहीं पर इलेक्ट्रॉन पाई जाती है। तो पहला कहां से होगा, अंदर से बाहर की तरफ हम काउंटिंग करेंगे, देखेंगे तो ये सबसे अंदर का वाला है उसको हम बोलेंगे पहला ऊर्जा स्तर, इसको बोलेंगे दूसरा ऊर्जा स्तर, इसको बोलते हैं तीसरा, इसको बोलते हैं चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। इसको सांकेतिक नाम दिया गया है, आपको पता हो, के एल एम एन ओ पी क्यू आर या डैश डैश, तो ठीक है। तो इस तरह से इस ऊर्जा स्तर को बोलेंगे के, इसको एल, इसको एम और इसको एन, उसके बाद आगे भी। तो इस तरह से एटम होते हैं, परमाणु होते हैं और उसकी उसमें ऊर्जा स्तर होते हैं। लेकिन जैसे कि परमाणु में ये जो स्थान है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। परमाणु कैसा होता है, उसमें तीन चीजें पाई जाती हैं, तीन कणों से बना होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो
ये दोनों तो नाभिक में आ गए, ये दोनों किस में है? नाभिक में है, न्यूक्लियस में, लेकिन ये नाभिक के चारों ओर गति करते हैं, ठीक है? ये कहां पे है? नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में गति करती हैं। ठीक है, वृत्ताकार पथों में गति करती हैं। इन्हीं वृत्ताकार पथों को कहा जाता है ऊर्जा स्तर। बात तो क्लियर हो गया होगा आपको। लेकिन ये जो वृत्ताकार पथ है ये भी कुछ भागों से बना होता है, यानी कि ये सिर्फ सिंगल एक लाइन नहीं है, यह सिर्फ वृत्ताकार ही नहीं है, ये पूरी तरह से एक स्फेरिकल संरचना बनाती है, या अलग अलग संरचनाओं के रूप में वो इलेक्ट्रॉन वहां पे पाई जाती है। तो वो कैसे होगा उनके बारे में बातचीत करें। तो ये जो ऊर्जा स्तर, इसको ऊर्जा स्तर कहते हैं ना, ये ऊर्जा स्तर भी कुछ उप भागों से बना हुआ है, उनको कहते हैं हम लोग उप कक्ष, क्या, या उप ऊर्जा स्तर, उप कक्ष, इंग्लिश में बोलें तो सबशेल, क्या बोलेंगे, सबशेल, सबशेल। इसको हम लोग बोलते हैं, एक और नाम देते हैं क्वांटम संख्या के नंबर के बेस पर, द्विगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, यस। इसे हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एल से, और इसका मान जो होता है वो होता है एस पी डी एफ, स्मॉल में इसका गणितीय वैल्यू है 0, इसका है 1, इसका है 2 और इसका है 3। आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने कहा ये जो ऊर्जा स्तर है यानी कक्ष है, शेल है, ये शेल भी उप शेलों से बना होता है, उप कक्षकों से, उप कक्ष से बना होता है, सब शेल से बना होता है, जिसका नाम है एस पी डी एफ। तो सवाल ये होता है कि पहला जो ऊर्जा स्तर है या एनर्जी लेवल है या शेल है, अब नाम बहुत सारे आ गए तो आपको, मेरे को भी तकलीफ होता है ना, तो मैं ये बोलूंगा ये शेल है, ये सब शेल से बना होता है, तो ये केवल एक ही सब शेल से बना होगा, तो इसमें ओनली सब शेल है एस, जबकि दूसरे वाला जो है दो सब शेलों से बना होता है एस पी, तीसरा बना होता है एस पी डी, करेक्ट। कितने सब शेल से बना हुआ है? तीन सब शेल से। तो अगला कितने से बना होगा? एस पी डी एफ, ये चार सब शेलों से बना होगा। हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जानने के लिए हमें पहले इन संरचनाओं को समझना होगा। क्या आपको इजीली याद नहीं होगा कि परमाणु में ऊर्जा स्तर होते हैं, उन ऊर्जा स्तरों में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और वो ऊर्जा स्तर भी कई भागों से बना होता है जिनको हम सबशेल कहते हैं। सबशेल कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के हमने पढ़ा अभी तक, है ना। वैसे उसके आगे भी अगर खोज हुई तो आगे भी बढ़ सकता है। तो ये कितने प्रकार का हुआ? चार प्रकार का। तो वो है एस पी डी एफ। तो पहले शेल में ओनली एस, दूसरे में एस पी, तीसरे में एस पी डी और चौथे में एस पी डी एफ होगा। और ये एस पी डी एफ याद रखने से काम चल जाएगा। क्वांटम संख्या हमने भी नहीं पढ़ रहे हैं, फिर भी हम क्वांटम संख्या के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हमारे पास हासिल हो रही है, करेक्ट। तो इस आधार पर, अच्छा अब सवाल ये हुआ, पहले ऊर्जा स्तर का, एनर्जी लेवल का एस, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, क्या एक जैसा होगा? नहीं, पहले ऊर्जा स्तर का जो सबशेल होगा वो छोटा होगा एस, पर होगा एक जैसा, ये भी गोलाकार होगा एस। तो वो आकार के बारे में हम बाद में बातचीत कर सकते हैं, फिलहाल अभी जानकारी के लिए हम इतनी कहते हैं। तो पहले एनर्जी लेवल का एस है, इसलिए इसको बताने के लिए हम लिखेंगे इसको 1s, दूसरे का है ये एस इसलिए 2s, और ये पी को 2p कहेंगे, ये तीसरे का है 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d एंड 4f होगा। हम इन चीजों को जान लिए तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन भरता कहाँ है रियल में? इन्हीं सब शेलों में भरता है, भरता तो ऊर्जा स्तर में, जब इनमें भर रहा तो ऑलरेडी ऊर्जा स्तर में भर ही रहा है, पर भरता इन्हीं शेलों में भरता है, सब शेलों में भरता है, ठीक। क्या हमें पता चल गया ये बातें? चलो एक बात और बता देता हूं, इन सब शेलों में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं ये भी बता देता हूं आपको। अधिकतम
इलेक्ट्रॉनों की संख्या। की संख्या अब याद कर लें, इसमें अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन भरेगा, इसमें 6, 10, 14, 2, 6, 10, 14। अगर याद ना हो रहा हो तो S का तो कम से कम याद रखना पड़ेगा, S में दो इलेक्ट्रॉन भरता है, उसके बाद 4, 4 बढ़ा दो, 2, 4, 6 हो गया, 4, 10 हो गया और 4, 14 हो गया। ठीक, तो इस तरह से SPDF याद रहना जरूरी है। और याद रहना जरूरी है क्या चीज, किसमें कितना इलेक्ट्रॉन भर सकता है। अब एक बात और बताना है मुझे, वो ये है कि इस प्रकार परमाणु में ये कक्षक किस क्रम में अरेंज है वो देखेंगे। हम यहां पर बना लिख देते हैं इसको, परमाणु में किस क्रम में अरेंज है, यानी कौन पहला, पहले सबशेल आ रहा है, फिर इसके बाद कौन सबशेल आ रहा है, फिर इसके बाद कौन सा सबशेल आ रहा है। जरा ध्यान से देखिए तो आपको पता चल जाएगा, 1s पहले आ रहा है परमाणु में भैया, ना परमाणु में है ना, नाभिक से बाहर की तरफ जाएंगे, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। ठीक, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं सबशेलों का क्रम, हम तो बिना इसको देखे लिख सकते हैं अब, क्या 1s 2s 2p 3s। हाँ, कुछ एक बात और बता दूं यहीं पे, कुछ लोग इसको इस तरह भी लिखते हैं 2s, ऐसे देखो ऐसे लिखेंगे 1s, और सेकेंड एनर्जी लेवल का है तो 2sp, ऐसे भी लिख देते हैं लोग, है ना। फिर इसके बाद क्या आ गया 3s 3p 3d, तो इस जगह पे कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं 3sp d, ऐसे भी लिख देते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन अगर दो आएगा, दो एक जो भी आता है, 2, 6 जो भी आता है, ऐसे लिखते लिख के भी कर लेते हैं लोग। तो मैं नहीं चाहूंगा कि इस तरह से आप करें, आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगी, इसलिए आपको मैं ऐसा नहीं लिखवा रहा हूं। एक के बाद एक जो सब शेल है उनको कॉमा लगाते हुए अलग सेपरेट करते हुए लिख रहा हूं, ठीक है। इसके बाद अब तो बिना बोल बिना देखे लिख सकते हो बेटा आप, है ना। चार ठो कक्षक आएगा, चार सब शेल आएगा, तो 4s 4p 4d 4f। फिर इसी तरह से पांचवे में कितना, फिर वो चार ही आएंगे, अगले में भी चार आएंगे, तो क्या होगा 5s 5p 5d एंड 5f। ओके, तो उधर तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ रही, कहीं भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, पर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्डर में नहीं भरता है, क्योंकि जिस क्रम में ये सबशेल रखा हुआ है उसी क्रम में उसकी ऊर्जा नहीं होती है। इसके लिए हम अपबाउ थ्योरी को देखते हैं, अपबाउ सिद्धांत देखते हैं। अपबाउ सिद्धांत के क्रम में ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में पहले भरा जाएगा, किस ऑर्बिटल में पहले भरा जाएगा, जिस ऑर्बिटल की ऊर्जा कम होगी, एनर्जी कम होगी, और जिस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी उसमें बाद में भरा जाएगा। इसके लिए कहते हैं एन प्लस एल नियम। तो मैं एन प्लस एल नियम अभी नहीं पढ़ाऊंगा, अभी तो मुझे बेसिक केमिस्ट्री कवर करना है, यानी कि केमिस्ट्री में आपको कुछ काम करने आना चाहिए, वो सिखाना मेरे लिए जरूरी है। क्या करने आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने आना चाहिए, ठीक है। यदि आप इसको नोट करना चाहते हैं तो इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके आगे। अब हमें पता चल गया है कि ऑर्बिटल किस ऑर्डर में होंगे, एक बार रिमाइंड करता हूं आपके लिए। सबशेल का ऑर्डर क्या था, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p, है ना, आप समझ में आ गया होगा। पर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्डर में नहीं भरता, अगर इस ऑर्डर में भरता तो हमें बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं होती, इस केमिस्ट्री में बिल्कुल इजी हो जाता है ना। तो किस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन भरेगा सब शेलों पर, वो हम देखते हैं। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, अपबाउ सिद्धांत। तो ये अपबाउ का मतलब होता है क्रमवार निर्मित होना, यानी क्रमशः निर्माण। तो निर्माण को
मतलब कैसे कम सह निर्माण, यानी कम, इसको बोला गया कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल से अधिक ऊर्जा वाले ऑर्बिटल की ओर इलेक्ट्रॉन भरता है। अब बौद्ध सिद्धांत में कहा जाता है कि कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक की ओर इलेक्ट्रॉन भरता है। मैंने एक लाइन में बोला, आप सुने हैं ना, क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षक यानी ऑर्बिटल है ना, कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले, हाँ ऊर्जा वाले कक्षकों में भरता है। हाँ क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों में भरता है ना। इसको क्या नाम दिए थे हमने, किस सिद्धांत कहते हैं इसको, अफबाव। ठीक है, पर इसको हमको एक बार ड्रॉ करना होगा, लेकिन ड्रॉ करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक दूंगा, थोड़ा टेक्निक दूंगा, थोड़ा ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि अक्सर जब हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं तो गलत ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए मैं एक बात बोलूंगा आपको कि आपकी कॉपी में जो इस तरह की लाइनें हैं इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। इसमें 1, 2 एक गैप छोड़ते हुए, 3 फिर गैप छोड़िए, 4 इस तरह से। तो मैं यहां पर नंबर लिख रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 नंबर लिखेंगे। ये 7 नंबर बताता है n, n मतलब मुख्य क्वांटम संख्या या ऊर्जा स्तर या शेल, है ना। अभी देखे थे ये किसको दर्शाता है, ऊर्जा स्तर को दर्शाता है, यानी वृत्ति पथ को दर्शाता है। हम इसमें लिख सकते हैं ऊर्जा या एनर्जी, क्लियर हो गया। हमने ये देखा पहले एनर्जी लेवल में कौन सा ऑर्बिटल आता है बेटा जी, एस, इसको क्या कहते हैं हम लोग, 1s। तो 1s क्यों बोले, क्योंकि पहले एनर्जी लेवल का ये कक्षक है। दूसरे में क्या आएगा, 2s, बोलो 2p होगा कि नहीं होगा। मैं यहां पर उसी चीज को लिख रहा हूं, आप लोग लिखेंगे 1s अपनी कॉपी में, 2s 2p, यस। यहां पर देखिए 3s 3p 3d, 4s 4p 4d, 5s 5, ये कौन सा है, अच्छा इसमें 4f भी आ जाएगा ना आपका, 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d 6f। एक्चुअली 6f तक के कोई तत्व नहीं ढूंढा गया अभी तक, ना आया है अभी तक, हमको खोज में प्राप्त हुआ है, जब आएगा तब देखेंगे, लेकिन फिर भी संभावनाएं तो है ना। अब यहां पर चलें, 7s 7p 7d 7f, यस, होते नहीं है अलग बात, ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि संभावनाएं जब रहती हैं तो हम उन संभावनाओं को हम स्टडी कर लेते हैं, ऐसा होगा तो क्या करेंगे। तो बेटा एक काम और है, जरा ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ रही होगी कैसे बनाना है। और दूसरी बात यह है, ये जो 1s बनाया हो इसको ऐसे आप गोला करिए, देखिए मैंने दोनों लाइनों को बनाते हुए दोनों लाइनों की जो दूरी है उसको व्यास मानते हुए मैंने इसको गोला सर्कल कर दिया। इससे क्या होगा, आपकी कॉपी में जो ये ग्राफ ड्रॉ होगा वो बहुत ही सुंदर होगा और सही होगा। और दूसरी बातें पे ध्यान दीजिएगा मेरी तरफ, एस एस ही के लाइन पे है, पी डी एफ, और दूसरी बातें ये तो लाइन में होगा ही, 1s का तो 1 पर ही होगा फर्स्ट एनर्जी लेवल में, सेकंड एनर्जी लेवल में 2s 2p होगा, तीसरे में 3s 3p 3d होगा, 4s, अब समझ में आ गई होगी आपको पूरी बातें। अब इसको मैं कहूंगा ऐसे बना लो, तुम्हारी बुक में ऐसा बना होता है तो तुमको लगता है कि वैसे ही होना चाहिए, तो आप इस तरह से कर लीजिए, इसको सर्कल में बंद कर देते हैं। कैसे सर्कल में बंद करना, मैं बताया वहां पे लाइन पे आपकी कॉपी में, या ठीक है बेटा जी, ये अफबाव के सिद्धांत का ड्रॉ है,
अब इसको क्या करेंगे, आपस में मिलाएंगे, ठीक है, पर मिलाएंगे हम इसको तिर्यक रूप में। जरा ध्यान दीजिएगा कैसे मिलाएंगे। देखें, हम ऐसे नहीं मिलाएंगे, ऐसे नहीं मिलाएंगे, ऐसे मिलेगा। एक स्केल रख दो और फिर देखें इस तरह मिलाएंगे, देख रहे हैं आप लोग, इस तरह से मिलाएंगे, देखिए, देख रहे हैं एकदम बिल्कुल सीध में है, कहीं भी चेंज नहीं होगा। बस आपको ये मिलाने आना चाहिए। मैं ऐसे बोलूंगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे करिए जैसे मैं यहां पे बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, 3s 3p 3d, जरा देखिएगा, ऐसे पकड़ लो, ऐसे मिला दो, सीधा लाइन खींच दो, ठीक है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली मिलेगा, कोई गलती नहीं होगी। मैं क्या चाह रहा था कि जो लिखा हुआ अंदर में वो मिटे मत, है ना, इसलिए मैंने ऐसा किया, बिल्कुल ऐसे ही लाइन है, ऐसे खींच दो आप डायरेक्टली, कुछ नहीं होगा उससे, कोई लॉस नहीं होगा। आपके पास स्केल है इसलिए हर बार उसका जो एंगल है सही आएगा, मेरे में थोड़ा सा कभी ऐसे कैसे भी जाएगा, है ना, तो ये ग्राफ आपको बनाने आना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग बना लिए होंगे, है ना, फिलहाल जो देख रहे हैं वीडियोस वो इसको पॉज करके बना सकते हैं, है ना। चले आगे, आगे चलते हैं, इसमें एरो बनाएंगे बेटा, एरो देखो ऐसे जा रहा है ना, राइट से लेफ्ट की ओर अप टू डाउन, यस, तो नीचे की तरफ जा रहा है एरो, जरा ध्यान देंगे, ये एरो दिखाता है हम किस दिशा में चलें, है ना, हमारे रास्ते बताता है ये, चलिए ये एरो समझ में आ गया होगा, है ना, तीर का निशान समझ में आ गया होगा आपको, बिल्कुल ठीक है। अब हम ये कहेंगे पहला लाइन किसको माने, इसको कि इसको, क्योंकि बीच वाले को तो पहला मान नहीं सकते, हर कोई जानता है बीच वाला, है ना, पहले दूसरे के बाद ही आया होगा, है ना, तो पहला कौन सा होगा, या तो ये पहला होगा या फिर ये पहला होगा, किसको बोलोगे पहला, जो शुरुआत हो रही है, तो ये है 1s वाला लाइन पहला है, ठीक। लेकिन 1s वाला लाइन पहला है तो उसके बाद दूसरा लाइन तो यही होगा ना, तीसरा चौथा पांचवा छठवां ऐसे तो होगा ना लाइन, तो पहले लाइन की डायरेक्शन क्या है, दिशा क्या है, इधर से इधर की ओर कि इधर से इधर की ओर, एरो किधर दिया, ऊपर से नीचे की तरफ है, है ना, राइट से लेफ्ट की तरफ, तो हम कहते हैं कि ये इसकी दिशा है, है ना, तो हम इसमें सबसे पहले कक्षक, सॉरी सबसे पहले सब ऑर्बिटल आ रहा है आपका कौन सा, 1s। तो देखें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन का क्रम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए क्रम क्या होगा, देखें 1s पहले आया, फिर बोलो क्या होगा, ये लाइन खत्म हो गया बेटा, जब ये लाइन खत्म हो गया तो दूसरा लाइन कहां से स्टार्ट हो रहा है, जरा देखो यहां से ना, मतलब ये शुरू है और ये अंत है, इसमें ये शुरू है ये अंत है, इसका ये अंत हुआ, दूसरे का शुरुआत यहां से हुई, सो आप इस तरफ से होते हुए इलेक्ट्रॉन मतलब ये कक्षक से पार करोगे, तो कौन सा ऑर्बिटल पार करा हमने, 2s सबशेल पार करा हमने, फिर उसके बाद यहां पे देखो कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, क्या आया 2p 3s, 2p 3s, जरा ध्यान देते जाइएगा, फिर उसके बाद ये खत्म हुआ, फिर उसके बाद कहां जाएंगे, ऐसे जाएंगे 3p 4s, 3p 4s, आपको कुछ अलग बात नजर आ रही है हमारी सोच से, 1s 1s, 2s, 2s, 2p, 2p, 3s, 3p, 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 3d, 4s, यानी यहां पर कुछ अलग बातें नजर आ रही हैं आपको, पहले 3d आता है उसके बाद 4s आता है उस एटम में, उस परमाणु में, तो परमाणु में इसका क्रम तो ऐसा ही होगा, परंतु इलेक्ट्रॉन हम इस क्रम में नहीं भरेंगे, इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम हुआ हमारा पहले 4s में जाएगा फिर 3d में जाएगा, यानी कि उसी इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम दिखाई दे रहा है, 3p के बाद 4s, क्योंकि 3p के बाद 4s आ रहा है, देख लें, उसके बाद कौन सा आएगा, इस लाइन में जाएंगे 3d, उसके बाद 3d आ रहा है,
है ना, 3D 4P 5S, 3D 4P 5S, मतलब देखो यहां से आपको बहुत सारी बातें पता चला कि 3P के बाद 4S, 3D नहीं 4S और 4S के बाद 3D, यानी पहले बाहर इलेक्ट्रॉन भर गया तब अंदर जा रहा है, फिर इसमें जाएगा, फिर किसमें जा रहा है देखो, इसमें इसमें नहीं जा रहा है, यहां पे जा रहा है देख लीजिए आप, फिर उसके बाद इधर भरेगा इसमें देख लीजिए, 5S के बाद क्या हो रहा है देखो, 4D 5P 6S, 4D 5P 6S। अब आपको क्रम समझ में आ गया होगा, हम इस क्रम में इलेक्ट्रॉन भरते हैं और इसी क्रम में हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, और कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता है। क्या आपको ये बात समझ में आई? जब आप बुक में इस ग्राफ को देखोगे तो ऐसा बना हुआ नजर नहीं आएगा, इसमें से थोड़ा सा कुछ और नजर आएगा, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। क्या देखें, उसमें ये होगा, ये पहला लाइन जहां पे खत्म होता है और दूसरा लाइन जहां पे शुरू होता है, दोनों लाइनों को ऐसे ज्वाइन कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है ना, डैश लाइन से जोड़ दिया गया है, यस, पर जोड़ा भी गया है तो देखो यहां से आ करके हम अपनी लाइनों को नहीं तोड़ेंगे, हम उस लाइन की तरफ जा रहे हैं, ये बताया गया, हम इसको जोड़ने वाली लाइन कह सकते हैं, संयोजक लाइनें बोल सकते हैं, यस, संयोजक रेखा बोल सकते हैं, ठीक है। फिर ये खत्म हुआ बेटा यहां पर, तो इससे जुड़ेगा, तो क्या करेंगे, डैश लाइन से, मतलब आभासी लाइन बोलेंगे, यानी कि हवाई जहाज वाला हवाई पथ है ना, ये पक्का सड़क है, इसके बाद दूसरे लाइन में जाना है तो हेलीकॉप्टर पकड़ के जाना पड़ेगा, देखो ना उड़ने वाली हेलीकॉप्टर दिख भी रहा होगा, बड़ा सा पंखा है ना, तो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरह सभी को जोड़ सकते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि हमने जो पहले बनाया वो गलत मतलब ग्राफ बना हुआ है, आगे जो बनाएंगे वो सही है, दोनों सही है, दोनों को हम गलत नहीं बोल सकते। तो आपको क्या पता चल गया इस ग्राफ से कि इलेक्ट्रॉन किस क्रम में भरा जाता है सब शेलों में, यस, इसको आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम कहेंगे और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस आधार पे संभव हो पाएगा। तो अपवाह का क्रम हम जान चुके हैं, यस, तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें कैसे करना चाहिए। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन हम किस क्रम में भर सकते हैं सब शेलों में, दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स और हम किस तरह से काम करेंगे उनको देखें। तो सबसे पहली बात आपको याद रखना चाहिए वो है कि किस सब शेल में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन भर सकता है, एस में अधिक से अधिक 2 भर सकता है, पी में 6 भर सकता है, डी में 10 और एफ में 14 भर सकता है, जैसे कि हम पहले पार्ट में बात कर चुके हैं, ठीक, ये इसकी मांग है, इतना हम भर सकते हैं, अगर हमारे पास उसके बराबर इलेक्ट्रॉन या उससे ज्यादा हो तो हम इनको देंगे, लेकिन अगर इससे कम इलेक्ट्रॉन रहा तो हमें क्या करना होगा कि जितना हमारे पास रहेगा उतना हम देंगे। तो चलिए इसकी मांग के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरेंगे, अगर कम रहेगा तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास है उनको उनको फिल करेंगे, यस। चलो मान लेते हैं एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 15 है, 15 इलेक्ट्रॉन है उस परमाणु में, 15 इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करने के लिए, यानी परमाणु में एटम में इलेक्ट्रॉन किस तरह से व्यवस्थित है उसको बताते हैं। तो चलिए देखें, तो हम क्या करेंगे बेटा, हमने कहा था इलेक्ट्रॉन इस क्रम में सब शेलों में भरेंगे, ये क्रम कहां से पता चला हमें, इस ग्राफ से पता चला। तो मतलब ये है, मैं आपसे एक बात पूछूं कि आप इसे आसानी से याद रख सकते हो कि इसे तो भाई ये बनाना याद क्या करना है, इसको बनाना बस तो है, तो याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती इसमें, है ना। तो मेरे हिसाब से आप इसी के बेस पर ही आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो, तो ये मेरे पास ये ऑर्डर लिख चुका हूं, तो मैं इनको लिखते हुए आपके सामने लिखता हूं। तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा जी, 15, तो 15 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं कैसे भरूंगा, सबसे पहले 1s में भरूंगा, वह s कितना मांगता है आपको बताया मैंने, 2, ये याद रखना है ना, नोट ये याद रखेंगे,
इसमें दो इलेक्ट्रॉन भरेगा, सेकंड में एस में दो ही भरेगा, तो हमारे पास चल इलेक्ट्रॉन कहाँ लिखा जाएगा, है ना, उसके ऊपर साइड, जैसे घात लगाते हैं या पावर लगाते हैं उस टाइप का लिखेंगे, लेकिन वो पावर नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। चलिए कॉमा, इसके बाद हाँ हमने 15 में से दो खर्च हो चुका है, हमने दो बांट चुके हैं। इसके बाद आएगा 2s, s को कितना देंगे, इसने कहा है ना दो, दो से ज्यादा नहीं, हमारे पास कितनों भी ज्यादा रहे हम उसको सिर्फ दो ही देंगे s, तो हमने दिया दो। अब हमसे चार खर्च हो चुका है, अब देखते जाना कि कितना खर्च हो रहा है वो भी ध्यान रखना, चार खर्च हो चुका है। चलिए उसके बाद कहां पे जाएंगे, 2 1s हो गया, 2s हो गया, फिर 2p, 2p पी में कितना चाहिए उसे, पी को 6 चाहिए, हाँ तो हमारे पास है ना 6, क्योंकि चार खर्च हुआ तो 11 था, तो 11 इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, ये 6 मांग रहा है मैं दे देता हूं, तो मैंने इनको दे दिए। फिर इसके बाद कहां आएगा, 2p के बाद आ रहा है 3s, s को कितना चाहिए होता है 2, हम 10 खर्च कर चुके हैं, मेरे पास 5 बाकी है, वो सिर्फ 2 मांग रहा है, 5 में से सिर्फ 2 ही मांग रहा है वो, तो मैंने उसे 2 दे दिया। अब मेरे पास 3 है, अभी 3 है, अब मैं आऊंगा 3p पर, तो ये p कितना मांगता है 6, लेकिन मेरे पास है सिर्फ 3, तो मैं तो 6 दे नहीं सकता, जब मेरे पास 3 है तो मैं 3 से ज्यादा दे ही नहीं सकता, वो कितनों भी मांग ले, तो उसकी मांग कितनी है 6 की मांग है, मेरे पास 3 है, तो मैं दूंगा कितना इसको 3, 3 से ज्यादा मैं इनको नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं है। अब गिनती लगाओ, क्या ये 15 हुआ टोटल, 2 2 4 और 6 10, 2 12 और 3 15, 15 इलेक्ट्रॉन मैं भर चुका हूं, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। चलो एक नंबर और ले लेते हैं, 22, फिर वैसे ही भरते जाएंगे, पहले 1s में भरेंगे, s मांगता है 2, मैंने इनमें से 2 दे दिया, फिर उसके बाद 2s, s मांगता है 2, मैंने 2 दे दिए, फिर उसके बाद आता है 2p, p मांगता है 6, मैंने 6 दे दिया, मेरे पास 22 इलेक्ट्रॉन है, अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, है ना, तो क्या हुआ 2 2 4 और 6 10, 10 इलेक्ट्रॉन मैं भर चुका हूं। अब मुझे टोटल 22 भरना है ना, मेरे को 22 देने हैं, अभी मेरे पास कितना बचा बेटा 12, तो अगला कौन सा आएगा 2p के बाद 3s, s कितना मांगता है 2, दे देता हूं, यस, फिर उसके बाद 3p के बाद 3s के बाद 3p, p कितना मांगता है 6, अभी देखिए मैं 12 भर चुका था, मेरे पास 10 बचा हुआ है, ये 6 मांग रहा है, क्या मैं 6 दे सकता हूं, है ना, तो मैं इसको 6 दे सकता हूं। फिर आता है 3p के बाद 4s, अब मेरे पास कितना बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है, 4s, s कितना मांगता है 2, पर मेरे पास 4 है, क्या मैं 2 दे सकता हूं, है ना, आप 4 रुपये, आप 2 रुपये मांग रहे हो, मेरे पास 4 रुपये है, क्या मैं 2 रुपये दे सकता हूं, हाँ बिल्कुल दे सकता हूं, तो मैंने दिया 2, अब मेरे पास सिर्फ 2 रुपया है। अब अगले बात अगली आती है 4s के बाद कौन आ रहा है 3d, अब मैं ऐसे कहूंगा मेरे पास 2 रुपया है और ये d कितना मांग रहा है 10, आप मुझसे 10 रुपये मांगोगे और मेरे पास 2 रुपया है तो मैं कितना दूंगा, क्योंकि मेरे पास उससे ज्यादा है ही नहीं है, तो मैं 2 देता हूं, और इस तरह से इनको भर सकते हैं। बोलो क्या हुआ, क्या हुआ बोलो ना, अब बोलने का तरीका बताता हूं, बोलने का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2, कभी नहीं बोलेंगे आप 1s2 2s2, ये कभी नहीं बोलेंगे, आप समझ में आ गई बातें, हाँ नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, ओके चलिए ये बात तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं गिनती लगा लो एक बार और, 2 4 6 10, 2 12 6 18 2 20, 2 22 22, हो गया। तो इस तरह से हमने देखा ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का होता है। वैसे बता दूं ये है फास्फोरस का परमाणु क्रमांक, ये टाइटेनियम का है। चलिए एक आध और कर लेते हैं बेटा, चलो मैं दे दूं आपको Mn25, ठीक 25 क्या होगा बताएंगे, कितना होगा 25, ये कितना था 24 का था, 22 का था, 22 का,
यहां से यहां तक 20 था, तो यहां पर बच गया कितना, 5, तो यहां पर 5 आ जाएगा क्योंकि 10 मांग रहे हैं, सीधी सी बात है। तो मैं इसको लिख के दिखाता हूं आपको, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d। चलिए मैं यहीं पर देखता हूं, अभी तक मैं 20 इलेक्ट्रॉन भर चुका हूं, 20 इलेक्ट्रॉन दान कर चुका हूं इन लोगों को, एसपीडीएफ को, जो भी है, अभी जो भी आए होंगे, मतलब मैंने सब शेलों को इलेक्ट्रॉन दान कर दिए, जो आए, जो भिखारी आए, मैंने उन भिखारियों को इलेक्ट्रॉन दान कर दिए, भाई जो जितना मांगा मैंने इसको दिया उनके अनुसार। अब सवाल यह है कि मेरे पास अभी कितना बचा हुआ है, 5। डी आया, बोलता है मुझे 10 दो, देखिए मेरे पास सिर्फ 5 है ना, तो मैं 5 से ज्यादा उनको दे ही नहीं पाऊंगा, तो मैंने उनको कितना दिया, 5। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं, इस टेक्निक का उपयोग करके कुछ वर्क कर लीजिएगा। कुछ नंबर दे रहा हूं मैं, 8, चलिए मैं कुछ सरल नंबर से दे रहा हूं आपको, 2, 4, 7, 8, है ना, 19, 33, 24, 25, 29, 30, 52, 53, 65, 73, इनको बना के देखिए, प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है, हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा, पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट में आएंगे हम।